पति पत्नी को एक दूसरे के बारे में कुछ खास बातें पता होती, जैसे मुझे पता है कि अधिराज को क्या पसंद है और क्या नहीं। तुम्हें भी तुम्हारे झूठ के लिए दंडित किया जाएगा। अब ना तो वो पहले सुलझा पाएगी और ना ही अधिराज की याददाश्त वापस ला पाएगी। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। इतना बड़ा निर्णय इतनी जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए, वरना निर्णय गलत भी हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि हमने हमारी होने वाली पत्नी मोहिनी ने जो अनुभव किया है वो सही नहीं? तुम स्वयं नहीं देख पा रही हो इस औरत की आंखों के अश्रुओं को। इसके अश्रु ये बयां कर रहे हैं कि यही उसकी असली पत्नी। देख लो, तुमने एक बार फिर हमारे निर्णय को चुनौती दी है। राजा साहब, मुझे एक अवसर दीजिए जिससे सही निर्णय लिया जा सके। हे अंबे माँ, मैं कैसे पता लगाऊं उस व्यक्ति की वास्तविक पत्नी कौन है? मेरी सहायता करो माँ, अगर अधिराज ने गलत निर्णय ले लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो काली शक्ति जीत जाएगी। माँ मुझे राह दिखाओ, माँ राह दिखाओ। सुनैना, तुम्हें क्या आवश्यकता थी उस मामले में हस्तक्षेप करने की? रानी माँ, मैं भी आपके एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती। आप बस इतना जान लीजिए, ये सारी बातें अधिराज की आत्मा से जुड़ी हुई है। वो बात ठीक है सुनैना, लेकिन अब कैसे पता लगाओगी कि उसकी वास्तविक पत्नी कौन है? वो तो समझ में नहीं आ रहा है रानी माँ, इस पर से अधिराज ने केवल 2 घंटे दिए इस रहस्य को सुलझाने के लिए। मुझे भय है कि अगर मैंने सच सही समय पर साबित नहीं किया तो क्या होगा। हमें तो लग रहा है ये असली पत्नी का रहस्य भी किसी ना किसी तरह सुनैना की दूसरी पहेली से जुड़ा हुआ है, इसलिए सुनैना इसमें अपना हस्तक्षेप कर रही है, वरना वो अधिराज के निर्णय को मानने से इनकार क्यों करती? तो अब हमें क्या करना चाहिए? सुनैना इस रहस्य को सुलझाने के लिए पूरा प्रयास करेगी, हमें बस उसके प्रयास को असफल करना होगा। कभी भयभीत नहीं होते हैं सुनैना, जरा याद करो तुमने कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियों का डटकर सामना किया है, कितने संकटों को पार किया है, कितनी सारी परीक्षाएं दी हैं, और तुम सफल भी हुई हो। फिर भय कैसा? अधिराज को पिछली बातें याद कराने के लिए तुमने कितना प्रयास किया है। हम मानते हैं कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा, पर तुमने हिम्मत नहीं हारी और हमें पूरा विश्वास है तुम कभी हारोगी भी नहीं। भरोसा है अंबे माँ पर, आज भी तुम जीतोगी, अवश्य जीतोगी। रानी माँ, पति पत्नी को एक दूसरे के बारे में कुछ खास बातें पता होती हैं, जैसे मुझे पता है कि अधिराज को क्या पसंद है और क्या नहीं। बिल्कुल सही कहा तुमने सुना, एक वास्तविक पत्नी को अपने पति की पसंद और नापसंद के बारे में सब पता होता है, सब जानती है। फिर तुम्हें पता लगा लूंगी उस व्यक्ति की वास्तविक पत्नी कौन है। देखो सर्पिका, वो औरत जिसको तुमने असली पत्नी कहा था वो असली नहीं है, इसलिए अब सत्य तक पहुंचने के लिए सुनैना अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देगी। ऐसे में हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो सत्य तक ना पहुंचे, या फिर उसे हम गलत साबित करते हैं। सभा को प्रारंभ किया जाए। राजा साहब, मेरे पास सच जानने का एक रास्ता है। एक पत्नी को अपने पति के बारे में सब कुछ पता होता है, क्योंकि जीवन के हर पहलू में वो दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। इसलिए मैं इन दोनों औरतों से उनके पति के बारे में 5 प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जो सारे प्रश्नों का सही उत्तर देगी वही होगी असली पत्नी। तुम प्रश्न पूछ सकती हो दासी सुनैना। ना भी प्रयास कर ले सुनैना, पर आज तो तू गलत साबित होकर ही रहेगी। मैं आप दोनों से प्रश्न पूछूंगी
जिसका उत्तर आप दोनों को एक साथ देना होगा। उत्तर सही है या गलत वो आपके पति हमें बताएंगे। ठीक है जी। पहला प्रश्न, आपके पति का पसंदीदा फल कौन सा है? आम, पपीता। आप बताइए सही उत्तर क्या है। आम। दूसरा प्रश्न, इनका पसंदीदा रंग कौन सा है? पीला। नीला। अब आप बताइए। नील। नीला। सारे सही उत्तर तो मालती दे रही है। इसका अर्थ है कि मालती ही असली पत्नी है। नहीं, कुछ तो गलत है। राजा साहब, सच सामने है। मैंने तो पहले ही कहा था, मालती ही इनकी असली पत्नी। क्यों सुने ना? जी राजा साहब, मालती ही मुरलीधर की असली पत्नी है। नहीं राजा साहब, मैं ही असली पत्नी हूँ। मालती ने सारे उत्तर गलत किए। चुप, एकदम चुप हो जाओ। सच सामने आ चुका है। राजा साहब अपना निर्णय सुनाएंगे। तुम्हें भी तुम्हारे झूठ के लिए दंडित किया जाएगा। सारे साक्ष्यों को ध्यान में रखकर हम ये निर्णय लेते हैं कि मुरलीधर की पत्नी मालती है, राधिका नहीं। सुनैना, राजा साहेब, भरे दरबार में इस दासी सुनैना ने मेरे निर्णय पर उंगली उठाई थी। इस कारण मैं बहुत अपमानित महसूस कर रही हूँ राजा साहेब। दासी सुनैना। जी राजा साहेब। तुम चुनौती में असफल हुई और जैसा कि हमने कहा था, यदि तुम अपनी दी हुई चुनौती में असफल होती तो तुम्हें भरी सभा में हमारी होने वाली पत्नी मोहिनी से क्षमा मांगनी पड़ेगी। क्षमा मांगो। मैं होने वाली रानी साहिब से क्षमा मांगती हूँ। मुझे बार बार ऐसे क्यों लग रहा है कि अभी भी सही निर्णय नहीं लिया गया है। मरने के लिए तैयार हो ना? क्या? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, अगर तुमने चारों में से कोई एक पहेली भी नहीं सुलझाई तो तुम्हें मरना पड़ेगा। पर मैंने तो सही निर्णय करवा दिया है, मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। उत्तर नहीं मिला? हाँ, पता नहीं क्यों पर कोई उत्तर सूझ नहीं रहा है। चूंकि तुमने गलत निर्णय करवाया है। वो निर्णय गलत है सुनैना। मुझे याद आ रहा है, जब मुरलीधर उत्तर दे रहा था तब उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल स्थिर थी, जैसे उसे किसी ने वश में कर लिया हो। कहीं इन सबके पीछे उस सर्पिका का हाथ तो नहीं? मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं, आपने
मुझे पहली सुलझाने के लिए 4 घंटे का अवसर दिया था। अब तक वो समय पूरा नहीं हुआ है। आप मुझे नहीं मार सकते। आप मुझे एक और अवसर दीजिए। मैं फिर से प्रयास करूंगी और सच्चाई तक पहुंच कर रहूंगी। रुक जाइए। क्या आप फिर से बता सकते हैं कि आपका पसंदीदा फल कौन सा है? जी हाँ, पपीता। अब तो पूरी तरह से साबित हो गया है कि यह सर्पिका की चाल है। सैनिकों, इन्हें फिर से दरबार में लेकर जाओ। और इनकी पत्नी, मेरा मतलब है राधिका, कहाँ है? वो तो जंगल की ओर रोते हुए चली गई। जंगल की ओर चली गई? हे अंबिमा, कहीं वो दुख के मारे कुछ गलत ना कर बैठे। सैनिकों, इन्हें लेकर जाइए। राधिका, ये तुम क्या कर रही हो? जिनका पति किसी और औरत के साथ चला गया, वो और क्या करेगी? मुझे छोड़िए। अपने अधिकार के लिए लड़ सकती हो, मैं जानती हूँ। आज जो दरबार में निर्णय लिया गया है वो गलत है और मैं उस गलती को सुधारना चाहती हूँ। अब इन सब बातों का क्या फायदा? शायद मेरे प्यार में ही कुछ कमी रह गई थी। तभी उस औरत के गलत उत्तर को भी सही करके उन्होंने उस औरत को अपना लिया। इसमें तुम्हारे पति की कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ उनसे करवाया गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो अपनी वास्तविक पत्नी यानी तुमसे बहुत प्रेम करते होंगे। देखो, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, पर मैंने हार नहीं मानी है राधिका, और ना ही मैं हार मानूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें न्याय जरूर दिलवाऊंगी। आप बताइए क्या करना है मुझे? बहुत चतुराई दिखा रही थी ना वो सुनैना, देख लिया कैसे अपने ही जाल में फंस गई वो। अब ना तो वो पहली सुलझा पाएगी और ना ही अधिराज की याददाश्त वापस ला पाएगी। वैसे भी केवल 2 ही दिन बचे हमारे विवाह को, इन 2 दिनों में तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ सर्पिका, और तुम दोनों के विवाह के पश्चात हम चंद्रमणि की शक्तियों को जागृत करेंगे और फिर हम बन जाएंगे दुनिया की सबसे शक्तिशाली काली शक्ति। और मैं बनाऊंगी अधिराज को अपना नागराज। इस समय कौन आ गया? राजा साहब ने होने वाली रानी साहिबा को दरबार में बुलाया। अब क्या हो गया? लगता है अधिराज हमारे विवाह की तैयारी के बारे में कुछ बात करना चाह रहे होंगे। जब हम एक बार निर्णय दे चुके हैं तो फिर उसी विषय को दोबारा दरबार में लाने की क्या आवश्यकता है? राजा साहब, निर्णय हुआ है पर न्याय नहीं हुआ है। ये सब क्या है सुनैना? तुम क्या कहना चाहती हो? तुम राजा साहब के निर्णय का उपहास उड़ाना चाहती हो? तुम
समझती क्या हो खुद को? राजा साहब, इसे कठोर दंड मिलना चाहिए। देखो दासी, सुने ना, हम तुम्हें एक अवसर दे चुके हैं और हमने निर्णय तुम्हारे प्रश्नों के आधार पर ही लिया था। अब हमें नहीं लगता कि दोबारा इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए। राजा साहब, मुझसे गलती हुई है, पर मैं नहीं चाहती कि आपसे कोई गलती हो। और आपका ही कहना है ना कि चाहे 10 दोषी को दंड ना मिले तो कोई बात नहीं, पर एक निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। इसलिए मुझे एक अंतिम बार अवसर दीजिए राजा साहब, ताकि एक धूर्त औरत किसी मासूम से अपने पति को ना छीन पाए। ये देख, तेरे पास समय बहुत ही कम है। मुझे अधिराज को किसी तरह से मनाना ही होगा। राजा साहब, ये दासी सुनैना बेकार की बातें करके आपके बहुमूल्य समय नष्ट कर रही है। आप तो जानते हैं ना राजा साहब, एक राजा बार बार अपना निर्णय नहीं बदलते। निर्णय नहीं बदल सकते, पर निर्णय पर विचार तो कर सकते हैं ना राजा साहब। हो सकता है इसी विचार के कारण किसी निर्दोष को न्याय मिल जाए। निर्दोष नहीं, दोषी है ये औरत। झूठ बोलकर एक पत्नी से उसका अधिकार छीनना चाहती है। मैं झूठ नहीं बोली राजा साहब, मेरा विश्वास कीजिए, मैं ही इनकी पत्नी हूं। तेरी इतनी हिम्मत जो राजा साहब के निर्णय के विरुद्ध बोले? मैं क्षमा चाहती हूँ राजा साहब। राजा साहब, एक अंतिम अवसर दे दीजिए। ठीक है, हम तुम्हें अंतिम अवसर देते हैं, किंतु याद रहे, यदि इस बार तुम्हारा निर्णय गलत साबित हुआ तो तुम्हें अपना पूरा जीवन काल कोठरी में काटना पड़ेगा। ठीक है राजा साहब। सुनैना ये सब कुछ उस पहेली के लिए कर रही है, हम उसे जीतने नहीं दे सकते सर्पिका। मैं अधिराज को कैसे रोकूं? वो तो हर बार उस सुनैना की बातों में आ ही जाता है। एक खंजर का प्रबंध किया जाए। ये परीक्षा थोड़ी अलग है और कठिन भी। मेरे बोलते ही दोनों औरतों को मुरलीधर पर खंजर से वार करना होगा। जो औरत सबसे पहले अपने पति पर वार करेगी वही कहलाएगी असली पत्नी। ये कैसी परीक्षा है? हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं। राजा साहब, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे आपको पश्चाताप करना पड़े। ठीक है, किंतु दरबार की मर्यादा भंग ना हो पाए। जी राजा साहब। ये सुनैना फिर कोई बड़ी चाल चलने वाली है। तुम सबसे पहले जाकर बार करना। परीक्षा शुरू की जाए। नहीं, ऐसा मत करो। मैं मारने को तैयार हूँ, ये मेरे पति नहीं है। इन्हें मत मारो, इन्हें मत मारो। मैंने पहले ही कहा था, यही असली पत्नी है। सुनैना दासी ने सबका समय नष्ट किया।
मुरलीधर की असली पत्नी मालती नहीं, राधिका है। पर राजा साहब, ये कैसे हो सकता है? इसने तो वार किया ही नहीं। यही तो सच्चा प्रेम है, क्योंकि जो सच्चा प्रेम करेगा वो अपने पति या प्रेमी को चोट पहुंचाने की सोच भी नहीं सकता। राधिका अपने पति से सच्चा प्रेम करती है, इसलिए उसने अपने पति को घायल होने से बचाने के लिए हार मान ली। उसने अपने प्रेम के लिए त्याग किया। मुझे पहले का उत्तर मिल गया। परी, परी कहाँ है? राजा साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ बोला था। मैं राधिका से जलती हूँ, इसलिए मैं उसे खुश नहीं देखना चाहती थी। सुने ना, हमें गर्व है तुम पर कि आज तुमने हमारे द्वारा लिए गए गलत निर्णय को सही दिशा दी है, और आज तुम्हारे ही कारण मुरलीधर अपनी असली पत्नी राधिका से मिल पाया। राजा साहब, अगर प्रेम सच्चा हो तो कोई भी बीच में नहीं आ सकता। मैं तो केवल माध्यम बनी हूँ। जीत तो हमेशा सच्चे प्रेम की ही होती है। परी, परी कहाँ है? सुनैना सही निर्णय दिलवाने में सफल हो गई। इसका अर्थ है उसकी पहेली पूरी हो जाएगी। परी, परी कहाँ हो आप? वो सुनैना एक के बाद एक पहेलियां सुलझाई जा रही है और हम उसे रोक भी नहीं पा रहे। सुनैना, क्यों तुम हमारे बार बार सपनों में आती हो? क्यों तुम हमारा चेहरा हमारे ख्यालों में बार बार आता है? क्या रिश्ता है हमारा? बताओ। मैं जब तुम कुछ कहती हो तो मुझे सुनना चाहते। तुम्हारी गलतियों को बंदी क्यों करते थे?